यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इस बीच एक और बड़ी खबर हांसी से, जहां पर सीआईए टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक को 100 से अधिक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली डेयरडेविल्स के मैच पर ये लोग सट्टा लगा रहे थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिरफ्तार युवक के पास 100 से अधिक मोबाइल थे जिन्हें सीआई टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। मंदिर की आड़ में ये गोरख धंधा पूरा चल रहा था, तो मैचों के ऊपर सट्टाबाजी लगाते हुए ये आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनके पास से 100 मोबाइल फोन गिरफ्तार किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किंग्स 11 और दिल्ली डेयरडेविल्स के मैच पर ये लोग सट्टा लगा रहे थे। देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि कितने फोन इस आरोपी के पास थे और पुलिस ने समय लगते ही इनको गिरफ्तार कर लिया है। मैचों पर ये लगातार सट्टा लगा रहे थे। मंदिर की आड़ में ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संदीप सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या है पूरी खबर? जी मैं आपको बताऊं, कल देर शाम सीआईए पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जगदीश कॉलोनी में बड़े स्तर पर सट्टा लगाया जा रहा है मैचों पर। तो उसके बाद जब एक टीम का गठन किया गया, टीम ने जब रेड की तो वहां से एक युवक और उसके कब्जे से 100 से अधिक मोबाइल और 40 मोबाइल फोनों की लाइन और एलईडी और एक डायरी बरामद हुई है। पुलिस ने इन सबको काबू में लेकर इनके ऊपर मामला दर्ज कर लिया है। जो पकड़ा गया युवक है संजय अनेजा, उसने बताया कि वो मुकेश उर्फ मंटू हैं, उनके यहाँ नौकरी करते थे। लेकिन अभी तक जो मेन जो आरोपी हैं जिन्होंने गोरख धंधा चला रखा था, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी संदीप, इस गिरोह में कितने शामिल हैं आरोपी? जी अभी तक जो एक युवक पकड़ा गया है उसने जो ये खुलासा किया है, उसने कहा है कि अन्य उनके साथी हैं, वो इनके जो मुकेश है उनके यहाँ नौकरी का काम करता था और करीबन 10 महीने से नौकरी कर रहा था। लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्त से अभी बाहर है। जी जी, तो आगे पुलिस की क्या कार्रवाई है? जी पुलिस ने इनके ऊपर मामला दर्ज कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने दावा किया है कि जल्दी जो और आरोपी है उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सैनी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने जगदीश कॉलोनी में छापा मार के ये कार्रवाई की है और फिलहाल अभी मुख्य आरोपी फरार है।